Hello everyone, welcome back to Sun Innovative YouTube channel and we are back with a new video on structure building of solar rooftop system. तो दोस्तों आज के दिन हम एक सोलर रूफटॉप सिस्टम को माउंट करने के लिए आए जो कि कॉमर्शियल प्लांट है 12 किलोवाट का, तो उसमें टोटल 36 पैनल को हमको इंस्टॉल करना है। तो आज के ये वीडियो में हम आपको स्ट्रक्चर कैसे माउंट करते हैं वो हम आपको समझाएंगे, और उसके बाद इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, फिर उसके बाद पैनल माउंटिंग कैसे होगी, तो सारे वीडियो का एपिसोड आते रहेंगे दोस्तों, आप देखना मत भूलिएगा। तो आज के दिन हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि स्ट्रक्चर में मेनली तीन चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, लेग, राफ्टर और पर्लिन। तो यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो कि लेग को राफ्टर के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, तो उसका काम चालू है और उसका कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअली लेग जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि स्ट्रक्चर है वो तीन पैनल का रो का होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो लेग को सबसे पहले राफ्टर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है बोल्ट से। हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो वेल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नट बोल्ट है, क्योंकि जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि दोस्तों रस्ट लगने की पॉसिबिलिटी से वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर को नट एंड बोल्ट सिस्टम से हम यूज़ करते हैं मोस्टली हर जगह पर। तो इस तरह से आप पूरा स्ट्रक्चर को लिफ्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि बैक लेग है, सबसे पीछे के लेग तो सबसे लंबे, तो इसको पकड़ के आप सीधा ऊपर लिफ्ट कर सकते हो, और सबसे पहले उसको ही अलाइंड करना चाहिए, क्योंकि आगे के लेग आप देख सकते हो 300 mm के है, बहुत छोटे छोटे लेग है, तो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी आप इजीली उसको सरफेस के लेवल पे रख सकते हो, उसकी बेस प्लेट है वो एक तरह से सरफेस पे आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हो कि तीन लेग है, एक फ्रंट लेग है वो 300 mm का है, फिर एक मीटर की हाइट का लेग है, और पीछे जो है वो 8 फीट का लेग है, आप देख सकते हो पीछे के लेग। तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे तीन तीन बाय रो का स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें तीन रो लगने वाली है पैनल की, और लेग को हल्के हल्के से आपको टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि वो स्ट्रक्चर को मूव करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि उसको पीछे की ओर थोड़ा ले जाएं, या फिर उसको आगे पीछे करना है, थोड़ा स्ट्रक्चर को मोमेंट देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप राफ्टर को लेग के साथ टाइट कर दो, थोड़ा पर्लिन को मत कीजिएगा। और बाकी का स्ट्रक्चर यहाँ पर पड़ा है, देख सकते हो आप यहाँ पर, और ये पूरा स्ट्रक्चर 36 पैनल को कंटेन करने वाला है, तो इसके लिए दो स्ट्रक्चर लगेंगे हम लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो मेजरमेंट का काम भी चालू हो चुका है। मेजरमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जब भी आप उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहते हो सरफेस के लेवल पे, और पर्लिन आप चाहते हो कि सीधी लगे और पूरा स्ट्रक्चर है वो सीधी तरह से माउंट हो जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई एक रेफरेंस को लेकर आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, और जब भी आप उसका परफेक्ट मेजरमेंट करते हो तो उसका पैनल माउंटिंग में कभी दिक्कत नहीं आती। और क्योंकि जब भी आप एक पैनल में चार जे हुक लगते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। तो सारे के सारे लेग आपको मेज़र करने पड़ेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो इसका मेजरमेंट फ्रंट लेग से मिडल लेग तक चल रहा है, और आप उसके बाद है वो बैक लेग जो है वो उसको भी मेज़र करना पड़ेगा, ताकि आपका स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली अलाइंड हो, और सन रेज जो है वो प्रॉपरली 90 डिग्री पे उसके ऊपर फॉल करना चाहिए। पर इसके स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे डिज़ाइन करना है उसका एंगल। अभी आप देख सकते हो दूसरा स्ट्रक्चर है वो माउंटिंग, उसका प्रोसेस चालू हो चुका है, और ये जो लंबे आपको रोड दिख रहे हैं जीआई पाइप के, हॉट डिप गैल्वेनाइज पाइप है टोटली, ताकि उसमें रस्ट ना लगे, पूरा स्ट्रक्चर है वो एटलीस्ट उसको विदाउट रस्ट कस्टमर को मिलना चाहिए, और 80 माइक्रोन का हॉट डिप है इसमें। तो जो लंबे पाइप है उसको हम पर्लिन बोलेंगे, जो पर्लिन के का काम यही होता है कि सारे राफ्टर को कनेक्ट करना है, और राफ्टर जो है वो सारे लेग को कनेक्ट करता है, फ्रंट लेग, मिडल लेग और बैक लेग। आप देख सकते हो सबसे पहले लेग को आपको पोजीशन पे रखना है अपनी जगह पर, फिर उसके साथ राफ्टर को कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि राफ्टर के कनेक्ट करने के बाद पर्लिन को पकड़ के आप उसको लिफ्ट करोगे तो स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो जाएगा। और सबसे आसान से आसान तरीका यही है कि आप राफ्टर और पर्लिन और लेग इतना सिस्टम आप नीचे फ्लोर पे कनेक्ट कर दो, फिर उसको आप लिफ्ट कर दो, तो अच्छे से आप उसको मूव भी कर सकते हो, सरफेस लेवल पे ला भी सकते हो और उसको टाइट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पकड़ने के लिए स्ट्रक्चर को, क्योंकि एक बंदा जो है उसको पकड़ सकता है, फिर बाकी के बंदे जो है वो स्ट्रक्चर को टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि पूरी तरह अच्छी तरह से बैठे नहीं है लेग के जो बेस प्लेट है वो, एक बार बेस प्लेट जो सरफेस लेवल पे आ जाएगी तो फिर अपने आप वो स्ट्रक्चर उसकी ग्रेविटी के हिसाब से खड़ा रह सकता है, उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर आप आसानी से उसके बोल्ट जो है वो टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर उसका काम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आखिरी में मेज़रमेंट का काम चालू है,
तो मेजरमेंट यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको पैनल का भी प्लेसमेंट करना है, यहाँ पर पैनल उसके ऊपर माउंट करना है, तो आपको ज़रूरी है कि आपका कोई एक रेफरेंस लेके आप स्ट्रक्चर उसको माउंट करें, क्योंकि आपका स्प्लिट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 36 पैनल है तो 18 पैनल एक स्ट्रक्चर पे आएगी और दूसरी 18 पैनल दूसरे स्ट्रक्चर में जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मिडल के लेग देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपरली अलाइंड है, और ये फ्रंट लेग मैं आपको दिखाता हूँ, सीधी लाइन में उसका पर्लिन दिखना चाहिए। और क्योंकि हमने स्प्लिट स्ट्रक्चर रखा है, क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊँगा स्प्लिट स्ट्रक्चर। ये बैक लेग मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हो ज़रा भी डिफरेंस नहीं है इसमें, और पूरे के पूरे एक अलाइंड में आपको दिख रहे होंगे। और इसी वजह से ये काम जो है हम लोगों को प्रोफेशनल इसमें काम में हमारा जो क्वालिटी वो आपको दिख सकता है यहाँ पर, क्योंकि मेजरमेंट करके स्ट्रक्चर पूरा अच्छा दिखना चाहिए, वो भी ज़रूरी चीज़ है। और उसका एंगल जो है वो लोकेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि टिल्ट एंगल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टिल्ट एंगल सही नहीं रहेगा तो आपका जनरेशन ड्रॉप भी आ सकता है। तो हमारे जो लोकेशन है वहाँ पर टिल्ट एंगल का डिज़ाइन ऐसा होता है कि 18 से 21 डिग्री तक होता है, तो वो लोकेशन के हिसाब से होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टिल्ट एंगल होता है। तो हम लोगों ने फ्रंट लेग, बैक लेग और मिडल लेग इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि ताकि हम पैनल प्लेसमेंट करें तो उसका एंगल जो है वो 18 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में मिले, ताकि हमारा जो जनरेशन है वो सनराइज प्रॉपरली उसके ऊपर फॉल हो सके। यहाँ पर देख सकते हो पूरा स्प्लिट स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसका इम्पोर्टेंस यही है कि अगर कोई एक्सीड अमाउंट ऑफ एयर आ जाती है, यानी कि हद से ज़्यादा हवा जो फ्लो होने लगती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको वहाँ पर एयर गैप रखना पड़ेगा। और यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो मेजरमेंट का काम ख़त्म होने वाला है, रेफरेंस को पैराफिट का रेफरेंस लिया है, और यहाँ से पैराफिट का रेफरेंस के बाद ड्रिलिंग का अभी ऑर्डर मिल चुका है। तो आप देख सकते हो ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और एक बेस प्लेट में टोटली 4 हॉल करने पड़ते हैं। और आप देख सकते हो हॉल जो है वो डिपेंड होता है कि आप कौन से एंकर फास्ट यूज़ करते हो, तो यहाँ पर 3 इंच के, 4 इंच के, 5 इंच के अलग अलग हिसाब से एंकर फास्ट आते हैं। तो उसका डिज़ाइन आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आपका वहाँ पर टेरेस जो है वो 1 इंच का टाइल्स है, फिर 1 इंच का वाटरप्रूफिंग है, फिर 1/2 इंच का बेस प्लेट है, तो इस हिसाब से आपको 3 इंच का एंकर फास्ट चाहिए होगा। अगर आपका वाटरप्रूफिंग कुछ ज़्यादा है तो आपको इसके हिसाब से आपको थोड़ा जो एंकर फास्ट है उसकी लेंथ आपको बड़ी चाहिए होगी, 4 इंच का एंकर फास्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है एंकर फास्ट के ऊपर। और हम जो एंकर फास्ट यूज़ कर रहे हो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बोल्ट टाइप का है, उसमें लीड डालनी पड़ती है, और हैमर से आप उसको मारोगे तो वो लीड जो है वो अंदर घुस जाएगी पूरी, और RCC स्ट्रक्चर को पकड़ लेगी नीचे से। और आप देख सकते हो यहाँ पर लीड ऐसे डाल के उसको माउंट करना है। तो हम सारे के सारे लेग के अंदर 4-4 एंकर फास्ट डालेंगे 3 इंच के, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिल जाए। वैसे तो क्या होता है कि इसको एंकर फास्ट के ऊपर ही स्ट्रक्चर हम रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर RCC करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी उसमें बारिश आएगी तो या फिर पानी जाएगा तो फिर उसको वाटरप्रूफिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम RCC के क्यूब बनाने वाले, तो दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि RCC का क्यूब कैसे बनाते हैं, पैनल को कैसे प्लेस करते हैं, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, तो वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएगा, आप देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम इसी तरह से हम एंकर फास्ट को सारे के सारे लेग में एंकर फास्ट लगा देंगे इस तरह से। और फाइनली आप देख सकते हो पर्लिन रखने का काम जो है वो चालू हो चुका है यहाँ पर। और पर्लिन जो, जैसे मैंने बोला कि पैनल को प्लेस करने के लिए पर्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पर्लिन के बीच में ही आपका पैनल जो है वो माउंट होगा। हम लोग पोर्ट्रेट के हिसाब से पैनल रखने वाले, तो एक स्ट्रक्चर में हम 18 पैनल रखेंगे और दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरी 18 पैनल, यानी कि 36 पैनल जो है वो हम रखने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली जो है यहाँ पर 2 आपको पर्लिन दिख रही होगी, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड पर्लिन है, तो उसके ऊपर जो है पैनल रखने वाले हैं हम लोग। और इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरी रो आएगी, और इसी तरह से लास्ट में एक तीसरी रो आएगी, यानी कि हम एक स्ट्रक्चर में 3 रो करने वाले 6 पैनल की, यानी कि 6x3, यानी कि 18 पैनल जो है वो आपकी लगने वाली है एक स्ट्रक्चर में, और दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरी 18 पैनल। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका भी बोल्टिंग हो रहा है, और जैसे मैंने बोला वेल्डिंग कोई जगह पर है नहीं सिवाय बेस प्लेट आपके, और वो भी आपके RCC क्यूब में अंदर चली जाएगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली दूसरे स्ट्रक्चर का भी पर्लिन रख दिया गया है यहाँ पर, और सारे के सारे बेस प्लेट में एंकर फास्टनिंग भी हो चुकी है। और आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट प्रॉपरली है, दूसरा स्ट्रक्चर भी यहाँ से एकदम अलाइन दिख रहा है। और सीधा दिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आफ्टरऑल आपका प्लांट जो है वो खूबसूरत दिखना भी चाहिए, और उसका जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरेशन होना चाहिए इसका। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइट जो है वो बोल्ट करने पड़ेंगे सबके सब, क्योंकि कोई एक रह जाएगा तो फिर वो स्ट्रक्चर वो है हिलता रहेगा। और जैसे मैंने बताया एयर गैप के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा गैप रखा है दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, जब भी कोई हद से ज़्यादा हवा आ जाएगी तो ये गैप से बाहर निकल सकती है। ये रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वाइब्रेशन के हिसाब से वो क्या है कि पूरा पैनल को डैमेज कर सकता है, तो इसलिए बेटर है कि आप वहाँ पर जगह रख दो थोड़ी सी। यहाँ पर पैनल का सारे के सारे पर्लिन, यहाँ पर तीन पैनल का रो है इसलिए आपको 6 पर्लिन लगानी होगी दोनों स्ट्रक्चर में, यानी कि 12 पर्लिन लगेगी टोटल। और फाइनली जो फ्रंट के लेग है उसको टाइट करना बाकी था, तो यह भी काम चालू है। यहाँ पर देख सकते हो कि इतनी स्ट्रेंथ मिल चुकी है पूरे स्ट्रक्चर को, तो पूरा हिलेगा भी नहीं स्ट्रक्चर। और ऊपर से 24 लेग है, यानी कि आपका 24x4, यानी कि आपके उतने एंकर फास्ट आपके लग चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका एंकर फास्ट जो है वो पूरे स्ट्रक्चर को उतना कम्प्लीटली स्ट्रेंथ दे पाएगा, क्योंकि इतने सारे एंकर फास्ट लगे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 24x4 यानी कि आपका हुआ 96 एंकर फास्ट लगे हैं पूरे स्ट्रक्चर में, तो आप समझ सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी हो गई होगी। और ऊपर से हम लोग RCC का क्यूब भी बनाने वाले हैं इसके ऊपर, तो आप उसका स्ट्रेंथ लेवल आप चेक कर सकते हो कितना बहुत ही बढ़िया वो स्ट्रक्चर होने वाला है। तो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर के सारे बोल्ट टाइट करने में आ रहे हैं और इसका काम ख़त्म हो जाएगा अभी। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट हो चुका है 96 एंकर फास्ट के ऊपर, और टोटल 24 लेग है, 6 पर्लिन है एक स्ट्रक्चर में, दूसरे पर्लिन में 6 पर्लिन है, और 4-4 राफ्टर लगाए हुए हैं, और एयर गैप का यहाँ पर पैसेज रखा हुआ है। तो अभी कल के दिन हम लोग आएंगे फिर से वापस वीडियो लेके, और इसके ऊपर पैनल कैसे प्लेस करते हैं, पैनल की वायरिंग कैसे करते हैं, फिर इन्वर्टर को कैसे माउंट करते हैं, तो दोस्तों उसका भी वीडियो हम बनाने वाले हैं और उसका भी एक एपिसोड आएगा, देखना मत भूलिएगा। क्योंकि आज के ये वीडियो में हम ये चैनल पे पूरा इंस्टॉलेशन कैसे होता है, उसके मेथड्स क्या है, तो वो पूरा हम आपको दिखा देंगे। तो कितना अच्छा अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है आप देख सकते हो, और पैनल लगने के बाद और भी खूबसूरत लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।